हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी देसी स्टाइल में एग करी रेसिपी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले यहाँ पे मैंने तेल गरम कर लिया है, उसमें बॉयल्ड एग को फ्राई करूंगी। मैं यहाँ 3 लोगों के लिए बना रही हूँ। अंडे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। थोड़ा इनको क्रिस्पी करके एक प्लेट में निकाल लूँगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बहुत ही टेस्टी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब इसी बचे हुए तेल में मैं 2 दालचीनी स्टिक डालूंगी। दो 3 तेज पत्ते के डालूंगी और अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट, जिसमें थोड़ा गरम मसाला भी मिला हुआ है, वो भी डालूंगी। अब इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। थोड़ा पानी भी ऐड कर दिया है। अब 2 से 3 टमाटर को कट करके इसमें ऐड करूंगी। प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करना है। ताकि उसका मीठापन निकल जाए। अब इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ। एक अच्छा मिक्स दे देंगे इसको। अब टमाटर सॉफ्ट होने लगे हैं। इसमें स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग डालिए, जितना स्पाइसी आप खा सकें। एक चम्मच धनिया पाउडर, अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। टमाटर को अच्छी तरह से दबाते हुए मसाले में मिक्स करेंगे। स्मेल
उसमें थोड़ा पानी डालेंगे। अब मसाला तेल छोड़ने लगा है, यानी कि अच्छे से कुक होने लगा है। इसके बाद इसमें फ्राई किए हुए अंडे डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पकाना ज़रूरी है ताकि मसाले में कच्चापन ना रहे। इसमें अंडे डाल दिए हैं। अब इसमें अपने हिसाब से पानी डालेंगे। ग्रेवी को थिक ही रखना है, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। जब तक ये सब्जी बॉईल हो रही है तब तक सलाद की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैं खीरे को घिसकर इसका कड़वापन निकाल रही हूँ। एक छोटा अनियन लिया है, इसी तरह टमाटर को भी कट कर लेंगे राउंड शेप में। अब ऊपर से इसमें थोड़े से धनिया के पत्ते डालूंगी कट करके। सब्जी भी उबल गई है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे, ऊपर से थोड़ा धनिया का पत्ता गार्निश के लिए। इसके साथ ही आलू और टमाटर की सूखी चटनी बनाई है। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।